मैं सीमा ढाबा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दम आलू और मटर की सब्जी बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक छोटा प्याज काटा है, लहसुन का पेस्ट लिया है, एक हरी मिर्च ली है, 6-7 मैंने आलू लिए हैं, छोटे छोटे लिए हैं, एक कटोरी मटर, हरा धनिया, नमक, 2 टमाटर की प्यूरी ली है और हल्दी, धनिया और मिर्च। सबसे पहले हम गैस ऑन करके तेल गर्म होने चला देंगे। हम आलू को अच्छे से गोद लेंगे ताकि जब हम आलू फ्राई करें तो ये अच्छे से सीज जाए। इसी तरह हम सब आलूओं को ऐसे ही कर लेंगे। मैंने तेल गर्म होने चढ़ा दिया है। ये मैंने सारे आलू गोद लिए हैं, तेल भी गर्म हो गया है और अब हम इन्हें हम सबसे पहले अच्छे से फ्राई करेंगे। तो 5 से 7 मिनट तक इस तरह से तेज आंच कर रखी है मैंने, उलट पलट करते रहेंगे। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। टमाटर है, इसमें हम ये लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया और मिर्च आप अपने हिसाब से ज्यादा और कम कर सकते हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। ये अच्छे से वो लाल हो गए हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तेल गरम हो गया है और हम प्याज डाल देंगे। हरी मिर्च भी डाल देंगे, तो लाल होने देंगे हम। ये प्याज हमारे लाल हो गए हैं और अब ये मसाला हम डाल देंगे। अब हम कम आंच पर 5 से 7 मिनट तक मसाले को पकने देंगे। ये मसाला हमारा पक चुका है, इसकी ये निशानी है कि ये तेल छोड़ देता है। देखिए ये शायद ये तेल छोड़ दिया है और अब हम ये मटर डाल देंगे और ये आलू भी डाल देंगे और अब हम इसमें इतना सा पानी डालेंगे कि ये आलू और मटर अच्छे से सीज जाए। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इस तरह से पानी भी गायब हो जाएगा और ये आलू और मटर भी अच्छे से सीज जाएंगे और इसे हम कम आंच पे ढक के रख देंगे। ये सब्जी बनके तैयार है। आलू भी अच्छे से गल गए हैं और मटर भी सीज गए हैं। हम गैस बंद कर देंगे और इसे अब हम सर्व करने के लिए निकालेंगे। दम आलू में हमेशा आलू छोटे ही रहने चाहिए। जब ये अच्छे से बन जाते हैं ऊपर से हम धनिया सर्व कर देंगे। ये दम आलू और मटर की सब्जी बनके तैयार है। इसे आप चपाती के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं सीमा ढाबा, धन्यवाद।